हेलो एवरीवन, आज हम प्लस टू क्लास का बिजनेस स्टडी का चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के बारे में और उसके प्रभावित करने वाले घटक के बारे में। तो कार्यशील पूंजी क्या है? जैसे आपने प्लस टू क्लास के अकाउंट में भी सुना होगा, फॉर्मूला अकाउंटिंग रेशो के अंदर कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। करंट असेट्स को चालू संपत्ति, करंट लाइबिलिटी को चालू दायित्व बोलते हैं, अंतर को माइनस करना बोलते हैं। तो वही बात आ गई कि चालू संपत्तियां और चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मीनिंग आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ से आप कार्यशील पूंजी को अलग से पढ़ना चाहते हैं टूल किट में, तो यहाँ भी देख सकते हैं। इसका अभिप्राय पूंजी को उस भाग से जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग होता है। मतलब अल्पकालीन का मतलब है जो एक साल के लिए, विद इन 1 ईयर वाले केस में आप इन्वेस्ट करेंगे वो होता है। अब हम बात करेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो जो उन से घटक कार्यशील पूंजी को प्रभावित करेंगे वो निम्नलिखित इस प्रकार हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले है व्यवसाय की प्रकृति। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी। व्यवसाय की प्रकृति है जो दो प्रकार की है, एक निर्माणी व्यवसाय मैन्युफैक्चर बिजनेस होता है, एक व्यापारिक व्यवसाय जिसमें ट्रेडिंग बिजनेस होता है। तो निर्माणी व्यवसाय में कच्चे माल को तैयार करने में परिवर्तित करने में अधिक समय लगता है। इस कारण कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल, तैयार माल सभी के स्टॉक में धन लंबे समय तक हमें इन्वेस्ट करते रहना है। तो परिणामतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो अगर हम निर्माणी व्यवसाय करते हैं तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि हम व्यापारिक व्यवसाय करते हैं, माल खरीदते हैं और कभी कभी तो खरीदने से पहले ही उसे बेच देते हैं, तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बहुत ही कम होगी। वो डिपेंड करेगा कार्य की प्रकृति पर। उसके बाद है क्रियाओं का सत्र। कार्यशील पूंजी और क्रियाओं के सत्र में सीधा संबंध है। बड़े आकार की संस्थाओं में अधिक और छोटे आकार की संस्थाओं में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। उसके बाद है व्यावसायिक चक्र। व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। तेजी काल में मांग बढ़ने से उत्पादन में, बिक्री में वृद्धि होती है, इसलिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मंदी काल में क्या, मांग घटने से उत्पादन में, बिक्री में कमी आएगी, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे बूम होगा, डिक्लिन होगा, फिर डिप्रेशन, इंप्रूवमेंट और फिर बूम, इस तरह से चक्र चलता रहता है, जिसे बोलते हैं व्यावसायिक चक्र। ठीक है, उसके बाद है मौसमी घटक। सीजनल फैक्टर है, मतलब कुछ वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष निरंतर बनी रहती है, तथा कुछ वस्तुओं की मांग मौसम के हिसाब से होती है। जैसे सर्दियों में जर्सियों की, गर्म कपड़ों की ज़्यादा मांग होती है, और गर्मियों में जो हल्के कपड़े हैं, गर्मी वाले कपड़े, उनकी मांग होती है। तो अलग अलग समय के अनुसार मांग उनकी बदलती रहती है। तो जिन वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष समान रूप बनी रहती है, तो वहाँ पर उत्पादन और विक्रय लगातार चलता रहता है। परिणामस्वरूप ऐसे व्यवसाय में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ जब वस्तुओं की मांग विशेष मौसम में ही होती है, तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको अधिक मात्रा में स्टॉक वगैरह रखना पड़ता है। उसके बाद है उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र का मतलब है जो प्रोडक्शन साइकिल है। उत्पादन चक्र का अभिप्राय कच्चे माल को तैयार में बदलने से है। ठीक है, तो यदि यह जितनी अवधि अधिक होगी, मतलब कच्चे माल को तैयार माल में बदलने में अगर यह समय ज़्यादा लगता है, तो अधिक समय लगेगा तो पूंजी और अर्धनिर्मित माल में फंसे रहेगा पैसा हमारा। ठीक है ना, और अधिक कार्यशील पूंजी हो सकता होगी। इसके विपरीत जहाँ उत्पादन चक्र बहुत अधिक कम है, वहाँ कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। हमारा फटाफट माल तेज़ी से सेल होता रहेगा, वहाँ पैसा नहीं फंसता। उसके बाद है उधार उपलब्ध कराना। उधार उपलब्ध करवाने का मतलब है जो संस्थाएं अधिक बिक्री नकद करती हैं, तो उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका नकद आता रहता है ना, नकद माल बेचा पैसा आ गया। इसके विपरीत जो संस्थाएँ अधिक बिक्री उधार करती हैं, जो ज़्यादा माल सेल जो है ना उधार में बेचती हैं, तो उन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि पैसा उनका उधार में फंसा हुआ है। उसके बाद है परिचालन कुशलता। परिचालन कुशलता का मतलब है कि विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संपन्न करने से है, मतलब जो बिजनेस की क्रियाएं हैं ना, उनको अच्छी तरह से सफल तरीके से पूरा करना। तो हर संगठन की परिचालन कुशलता अलग अलग होती है, क्योंकि सब जगह अलग अलग मैनेजमेंट होता है ना। तो परिचालन कुशलता के कुछ उदाहरण है, जैसे कि कच्चे माल को अतिशीघ्र तैयार माल में बदलना। तो सब बिजनेस में अलग अलग तरीके से होता है कच्चे को तैयार में बदलने का सिस्टम। तैयार माल को अतिशीघ्र बेचना, कईयों का मैनेजमेंट पर डिपेंड है भाई कितनी जल्दी वो बेच सकते हैं। देनदारों से अतिशीघ्र अपना पैसा निकलवाना या भुगतान प्राप्त करना, तो ये सारे परिचालन कुशलता हैं। तो अगर ये बेस्ट हैं, परिचालन कुशलता अच्छी है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़ेगी। परिचालन कुशलता आपकी अच्छी नहीं है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। इस तरह से आप इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करेगी। यदि
यदि संस्था द्वारा ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है जो पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध हो जाए तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि माल को अधिक मात्रा में स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत यदि कच्चा माल हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता, हर महीने उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उसको लेने के लिए पैसा ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद है विकास संभावनाएं। विकास का अर्थ है व्यावसायिक क्रियाएं जैसे उत्पादन हो गया, बिक्री हो गया आदि के स्तर में वृद्धि होना। तो वृद्धि होगी तो विकास होगा। जिस संगठन में पर्याप्त विकास संभावनाएं उपलब्ध हैं तो वहां कार्यशील पूंजी की जरूरत जो है अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि पैसा खर्च करना पड़ता है। और अगर यह कंडीशन उपलब्ध नहीं होती तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। प्रतियोगिता का स्तर, उच्च प्रतियोगिता स्तर में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है, क्योंकि भाई जब कंपटीशन होगा तो विज्ञापन पे भी और जगह भी खर्च करना पड़ता है फटाफट, क्योंकि प्रतियोगिता का सामना करने हेतु तुरंत सुपुर्दगी के लिए माल का अधिक स्टॉक भी रखना पड़ता है, लंबे समय के लिए उधार की उपलब्धि सुविधा भी देनी पड़ती है और कुछ ना कुछ फ्री भी देना पड़ता है, बहुत कुछ है भाई। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का अभिप्राय मूल्य वृद्धि से है, मूल्य का बढ़ जाना। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन और बिक्री के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए, पूरा पिछला जो लेवल है सेल का और प्रोडक्शन का बनाए रखने के लिए पहले से अधिक धन की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मुद्रास्फीति को दर को बढ़ाने के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आपकी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक थे। आप अच्छी तरह से करें इसको। थैंक यू।